दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे लेंस के बारे में जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक अल्टीमेट ड्रीम लेंस है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। अब चाहे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो, कैंडिड शॉट्स लेते हो, फैशन फोटोग्राफी करते हो, या आप लेते हो काफ़ी सारे क्रिएटिव शॉट्स, अगर ये लेंस आपके पास है तो आपकी फोटोग्राफी डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। अब ये कौन सा लेंस है, क्या है इसके फीचर्स और किस तरह के फोटोग्राफर्स के लिए लेंस रहेगा, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पिक्चर, लुक एट द फॉल ऑफ, और आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हुआ है, और इसे शूट किया है मैंने अपर्चर 1.2 पे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कैनन RF 85mm 1.2 USM लेंस की, बहुत ही कमाल का लेंस है। अगर आपके पास में लेंस है दोस्तों तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास में एक बहुत बड़ा खजाना है, बिकॉज मैं इसमें शूट कर रहा हूँ और अभी तक जो उसकी परफॉर्मेंस निकल के आई है दैट इज़ अल्टीमेट एक पोर्ट्रेट मोड पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ दो पिक्चर्स और लिए हैं, आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग है इस लेंस की वो कितनी कमाल की है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देखिए जो फॉल ऑफ है वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। और जो 1.2 पे मैंने पिक्चर को लिया है यानी कि बहुत ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे, एंड जो इसका बैकग्राउंड है वो कितने अच्छे से ब्लर हुआ है यहाँ आप देख पा रहे हैं। सो ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी इसमें निकल के आती है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है, एक्सट्रीम जिसको मैं कह सकता हूँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी आपको मिल रही है यहाँ पे इस लेंस के अंदर। एंड अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, आप मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करते हैं, और अगर आपको लो लाइट पे शूट करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है और आपको अच्छा बोके चाहिए, तो आई थिंक 85mm 1.2 लेंस जो कि RF सीरीज में है बहुत ही अच्छा रहेगा। अब सबसे पहली चीज़ जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ वो है दोस्तों इसका 82mm का फिल्टर थ्रेड। बात करें इसके साइज़ की तो साइज़ थोड़ा सा मुझे इसका भारी लगा, हालांकि 85mm लेंस है बट अगेन इट्स क्वाइट बल्की लेंस। वेट है इसका अराउंड 1200 ग्राम्स का, तो एग्जैक्ट अगर पकड़े तो 1195 ग्राम्स का ये लेंस है, तो थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है। बट इस लेंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी कैनन R6 बॉडी पे, तो आप देख रहे हैं कितना एक बहुत ही अच्छा एक इकोसिस्टम बन जाता है, यानी कि साइज़ इसका और कैमरा का बॉडी कहीं भी कोई भी इस तरह का डिसबैलेंस नहीं है, यानी कि मैं बहुत आसानी से अपने फ़ोटो को शूट कर पा रहा हूँ और जो ग्रिप है मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है। वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरी जो स्टेबिलिटी है पिक्चर्स में अच्छे से फ्रेम कर पा रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि भारी होने की वजह से कोई एक डिसएडवांटेज है, बट यस मुझे इसका वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। एक बार वापस करें से। अब ये जो पिक्चर मैंने लिया आप देख रहे हैं दोस्तों ये एक रोड के ऊपर लिया, यहाँ टीम के पीछे मैंने उसे खड़ा किया, बट अगर आप जब इमेज को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो इसके सराउंडिंग्स है वो कम्प्लीटली ब्लर है, यानी कि पता ही नहीं चल रहा कि पिक्चर हमने कहाँ पर ली है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही शार्पली इन फोकस में आया है एंड दैट टू एट 1.2 अपर्चर के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह के लेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अच्छा खासा जो सीनरी है यानी कि स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में उसे आप कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस कर सकते हैं, और आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से शार्पली इन फोकस आएगा, और ओवरऑल जो पिक्चर का फ्लेवर है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है विद लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड काफ़ी लो लाइट सिचुएशन के अंदर। अब बात करें इसके मिनिमम फोकस डिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप 85 सेंटीमीटर्स जो है इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस है, तो आप काफ़ी पास, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं, लेकिन आसानी से आप शूट कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो अपर्चर रेंज है वो आपको मिल जाती है 1.2 से लेके F16 तक, यानी कि आप आउटडोर और इंडोर दोनों में इस लेंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तो इसकी जो यूज़िबिलिटी है वो बहुत ही वास्ट हो जाती है। स्पेशली अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, कैंडिड शॉट्स लेते हैं, तो वहाँ पर आप लो लाइट के अंदर बहुत अच्छे शॉट्स ले पाएंगे, बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर कर पाएंगे, बोके अचीव कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडियो पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं तो वहाँ पर भी ये लेंस बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही रॉबस्ट है। यहाँ आपको दो बटन्स मिल जाते हैं, एक ऑटो फोकस का, एक मैनुअल फोकस का, तो आप इसे आसानी से अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो कमाल की चीज़ लगी वो लगी मुझे यहाँ पर, देखिए ये एक आपको रिंग मिलती है, कंट्रोलेबल जो है एडजस्टेबल रिंग है, इससे आप जो है ना केवल अपना ISO अपर्चर और शटर स्पीड वो बिल्कुल इसको रिंग को घुमा के आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने कैमरा अंदर सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर जो भी सेटिंग्स आपको रखनी है आप रख लीजिए,
फिलहाल मैंने इसे अपर्चर रिंग पे रखा है, तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ इस रिंग को घुमा रहा हूँ और मेरा अपर्चर जो है यहाँ पर चेंज होता जा रहा है। तो ये फीचर मुझे इस लेंस में बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली जब आप शूट कर रहे हैं, आपको देखने की आपको कितना बोके चाहिए, कितना बैकग्राउंड को ब्लर करना है, कितना सब्जेक्ट इन फोकस रखना है, कितना बैकग्राउंड को इन फोकस रखना है, वो सारा आप अपर्चर यहाँ से अच्छे से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसी तरह से शटर स्पीड ISO भी आप इस रिंग से कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए कुछ और पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पर, और पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बोके लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और पिक्चर लेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छे से ब्लर हुआ है, थोड़ा सा एक बोके भी पीछे मिला है, बट नॉट सो इम्प्रेसिव। थोड़ा सा एक क्लोजअप लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक पिक्चर और लेते हैं। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स लिए मैंने दोस्तों, आपके फ़ोटोज़ कैसे लगे, कैमरा इसका लेंस का डिटेल्स आपको कैसा लगा, शार्पनेस कैसी लग रही है, सारे पिक्चर्स मैंने अभी 1.2 पे लिए हैं। और मुझे जहाँ तक लेंस का परफॉर्मेंस का सवाल है, मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगे, बिकॉज जिस तरह का काम मैं करता हूँ फैशन फोटोग्राफी का, वहाँ पर ये अपर्चर रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए लेते हैं पिक्चर, यहाँ बोके मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है पीछे, कुछ एक दो पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे, पोर्ट्रेट मोड पे लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पोर्ट्रेट लिया, अंकल यहाँ रोज़ आते हैं शाम को, मैं देखता हूँ इनको अपना वॉक करने के लिए, और पीछे आप देख रहे हो अंकल का स्किन टेक्सचर कितना अच्छा मिला है, एंड द बोके जो है वो कितना इंटरेस्टिंग, कितना सिनेमैटिक पिक्चर हमारा निकल के आया है। सो दिस लेंस ये जो है ना, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है कि यार ऐसा लेंस अगर आपके पास में हो तो आप क्या नहीं कर सकते एज अ फोटोग्राफर। और 85mm की एक ऐसी फोकल लेंथ होती है जिसपे आप बहुत सारी तरह के फ़ोटोज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कई बार मैं अपना पूरा मॉडलिंग पोर्टफोलियो इसी लेंस में पूरा शूट कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो भैया ये लेंस एक किसी सपने से कम नहीं है। एक चीज़ मुझे इसकी और भी अच्छी लगी, वो है कि ये कम्प्लीटली वेदर सील्ड है। तो अगर आप एक एक्सपेंसिव लेंस ख़रीद रहे हैं तो अगर एक वेदर सीलिंग आपको मिल रही है साथ में, तो उसकी जो लॉन्जिविटी है, उसकी जो लाइफ है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। लुक एट द बोके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो बोके कितना अच्छा दिखाई दे रहा है पीछे बैकग्राउंड में। और ये मैंने पिक्चर ली है, अब ये जो बोके है, ये बोके आने का कारण है, इसके अंदर आपको मिलते हैं राउंडेड 9 डायफ्राम, जिसकी वजह से जो बोके है वो बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही फ्लॉलेस आपको नज़र आता है। सो अल्टीमेट क्वालिटी है, अगर आप देख रहे हो एक, अगर आप एक बहुत ही क्वालिटी लेंस, एक बहुत ही ऐसा लेंस ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ना सिर्फ इमेज की डिटेल चाहिए बल्कि एक्सट्रीमली आपको जो एकदम आउटपुट चाहिए जहाँ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इमेज में, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट लेंस फॉर यू। अब ये कुछ मैंने रैंडम फ़ोटोज़ लिए हैं और यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ अपर्चर यानी कि 1.2 पे ही खेला है, और आपने देखा कि बिल्कुल रात हो चुकी है, किस तरह की लाइटिंग हमें मिली है बगैर किसी भी एक्सटर्नल लाइटिंग सोर्स के द्वारा, यानी कि हम यहाँ कोई फ्लैश या किसी तरह की एक्सटर्नल लाइट हमने यूज़ नहीं किया, जो भी अवेलेबल लाइट थी उस पर ही मैंने इस पर पिक्चर्स निकालने की कोशिश की है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये फ़ोटोज़ कैसे लगे। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है एक रिंग टाइप अल्ट्रासोनिक मोटर USM, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हाई स्पीड CPU, उसके अलावा जो इंटरनल फोकसिंग डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो है आपको बहुत ही फास्ट, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्वाइट ऑटो फोकस जो है वो डिलीवर करता है लेंस। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये एक अल्टीमेट ड्रीम लेंस है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।